हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, दिस इज अपर्णा हियर वंस अगेन। आज आपको मेरे स्टाइल से मैं वेजिटेबल थाई करी आपको मैं सिखाने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे चैनल को, जैसे मेरे वीडियो को देखने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करनी है नोटिफिकेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें भी थोड़ा सा मैं कोकोनट ऑयल डालने वाली हूँ। जैसे आप चाहें तो इसमें आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। इसमें मैंने जो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला है, अब इस पे जो है जैसे बेसी लिप्स इसमें डालते हैं, पर थोड़ा हाँ इंडियन टच जैसे करने देने के लिए तो इसमें थोड़ा सा मैं इसमें जो है कड़ी पत्ता डालूंगी। थोड़ा सा लहसुन पड़ेगा इसमें। और इसमें येलो और इसमें जो है रेड कैप्सिकम भी इसमें डालूंगी मैं। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ इसमें करना क्या है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसमें, जो कि बेबी कॉर्न मशरूम्स इसमें डालने वाली हूँ। इसमें मैंने जो है आधा पैकेट मशरूम्स इसमें यूज़ किया हुआ है, और इसमें जो है 5 से 6 मैंने बेबी कॉर्न के जो स्टिक्स है उसको मैंने दोनों को बॉयल करके छोटे छोटे काट दिए हैं। अब इसको धीमी आँच में आपको जो इसको पकने देना है। इसमें जो है मैंने प्याज को है पूरी तरह से छोटे छोटे नहीं किया है, इसे प्याज को 4 कोने की तरह से काट दिया है। अभी इसे हमें जो है पकने देना है। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे देख पा रही है कुक हो चुका है। नेक्स्ट अभी जो है मैं मिक्स वेजिटेबल इसमें डाल रही हूँ। ये सफल का मिक्स वेजिटेबल्स है। इसको मिक्स करके हमें इसको जो है, ये थोड़ा फ्रोजन है तो इसको थोड़ा बॉयल, हमें थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देना है। अब इसमें मैं नारियल का दूध इसमें डालने वाली हूँ, और इसके साथ साथ मैंने जो है इसमें थाई पेस्ट, इसमें मैंने ग्रीन पेस्ट डाला हुआ था, ये थाई ग्रीन पेस्ट है ये वाला जो मैं इसमें यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा और हम नारियल का दूध डालेंगे। इस तरह से आपको इसको कुक करना है। अभी हमें इसे जो है ढक देना है। फ्रेंड्स, एक बड़ा सा सस्पेंस है। ट्विस्ट के लिए हमने इसमें जो है नारियल और इस पे कोरिएंडर का जो है हमने पेस्ट इसमें ऐड किया हुआ है। जो भी
जो बच्चा गुच्छा लगा हुआ था हमने इस पे जो मिक्स कर दिए, जैसे थाई करी पेस्ट के हिसाब से ये भी अच्छा काम करेगा। हाँ, इसमें आप चाहते हो लेमन ग्रास स्टॉक्स भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें फिश सॉस थोड़ा सा डालना है फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा हम इसका ग्रेवी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तो मीडियम साइज में इसको मीडियम का कर देंगे। चाहो तो आप इसको ग्रेवी स्टाइल के हिसाब से भी खा सकते हो, या थोड़ा मीडियम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। थाई करी पेस्ट का आपको बता दी इसमें कैसे बनाना है। नारियल, कोरिएंडर और ये जो लेमन ग्रास का नीचे का जो स्टॉक रहता है वो तीनों को आपको मिक्स कर देना है, तो आपका आसानी से थाई करी पेस्ट जो आसानी से बन जाएगा। और जैसे कि आप इसमें नॉन वेज फ्लेवर देना चाहते हो, आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हो। जैसे थाई प्रॉन्स बनाना चाहो तो इसी हिसाब से आप बना सकते हैं। शॉली में उसको भी मैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर मैं उसको शो करने वाली हूँ, इसका रेसिपी मैं शो करूंगी। और फ्रेंड्स, ये करी बन चुकी है, हमें इसे बंद कर देना है। हमारी थाई करी जो है ये प्रिपेयर हो चुका है, इसको आप जो है राइस के साथ खा सकते हैं। जैसे कि आप इसको ओरिएंटल हाका नूडल्स के साथ खाना चाहो तो खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स और रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव फन, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। थैंक यू।